रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास के सीएम राइज स्कूल में साधना न्यूज और कौटिल्य एकेडमी ने करियर सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में 12वीं के बाद बच्चों को करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया गया। 10वीं 11वीं 12वीं के बाद आईएएस आईपीएस और एमपीपीएससी की तैयारी के लिए कौटिल्य एकेडमी उज्जैन के ब्रांच डायरेक्टर राहुल राज पाड़ी ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा में चयन के लिए मानसिक तैयारी को प्राथमिकता देते हुए लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। कौटिल्य करियर सेमिनार में राहुल राज पाड़ी ने बच्चों को पढ़ाई की उचित विधि से भी अवगत कराया है। संस्था से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने सीएम राइज स्कूल के छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब दिया। वही सीएम राइज स्कूल के शिक्षक प्रांजल नंदन अवस्थी ने बताया कि साधना न्यूज और कौटिल्य एकेडमी के निःशुल्क सेमिनार में 11वीं और 12वीं के बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार में बताया गया कि स्टूडेंट किस कक्षा से शासकीय सेवा में जाने की तैयारी करें। स्कूल दिखा रहे थे आपका, मैं स्कूल विजिट कर रहा था, देख रहा था कि बड़ा ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज वेल सेटल्ड मैनर। टीयर टू पे मैथ्स रीजनिंग आपका इंग्लिश और ये वाला पोर्शन था, और टीयर थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें वही जो हम अभी लिख रहे हैं ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसे हमने नहीं किया होगा। इस तरीके के कुछ एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए कुछ अगर हमको अच्छा कॉलेज भी चाहिए तो इसके लिए भी कुछ एक एग्जाम होता है जिसे हम क्लैट के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी भी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, है ना, ये हम तैयार। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टीयर थर्ड है। अगर हम सेकंड टीयर क्लियर करते हैं तो सोचो कितना सिंपल है ये। आज सीएम राइज विद्यालय देवास में कौटिल्य एकेडमी के सौजन्य से करियर मार्गदर्शन को लेकर के एक सेमिनार की गई जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे उपस्थित रहे, और श्री राहुल राज जी के द्वारा इस सेमिनार में बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन किया। सर, इस तरह के मार्गदर्शन जैसे सेमिनार चले आज की तारीख में अगर बात करेंगे बच्चों के पढ़ने की, तो ऐसे एकेडमियों से कहीं बच्चे उनको कुछ मिलता है सीखने को? निश्चित तौर से ये जो इस तरह की एकेडमी चलती हैं, चूंकि बड़े ही व्यावसायिक और प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, और हम देखते हैं कि जो बच्चे सफल होते हैं सिविल सेवाओं में, उनमें से कहीं ना कहीं अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के एकेडमी से कोर्स का मार्गदर्शन प्राप्त किए हुए होते हैं, और निश्चित तौर से उनसे लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इनका अनुभव होता है प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का, और वो स्वयं भी चूंकि उस दौर से गुजरे होते हैं, तो निश्चित तौर से यह एक बेहतर तरीका होता है बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने का। सर, आईएएस आईपीएस बनने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, क्या मानते हैं इस चीज को? निश्चित तौर से पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो पढ़ना है वो भी मालूम होना चाहिए, जो नहीं पढ़ना वो भी मालूम होना चाहिए। तो जो नहीं पढ़ना है वो भी हम इन एकेडमीज में जाकर के सीखते हैं, क्योंकि दिमाग की जो क्षमता है वो तो सीमित है। अब हम उसमें से यदि नहीं पढ़ने वाली चीजें ज्यादा भर लेंगे दिमाग में तो पढ़ने वाली जो चीज है वो स्लिप कर जाएगी। तो इसलिए हमें जहाँ ज्यादा पढ़ना है लेकिन क्या पढ़ना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, और वो चीजें जो है तो निश्चित तौर से एक जो प्रशिक्षित जो मार्गदर्शक होता है उसके माध्यम से हमें ज्ञात होती है ये सारी चीजें। सर, सरकारी स्कूल की बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूल बेहतर है, सीएम राइज में कौटिल्य एकेडमी का सेमिनार किया गया, क्या मानते बच्चे क्या निकलेंगे इसमें से? निश्चित तौर से, क्योंकि सीएम राइज जो स्कूल है ये वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका मिशन के तौर पर वो इसको चला रहे हैं सीएम राइज विद्यालय को, और हम सभी का यह प्रयास है। और हमारे विद्यालय में तो हमने जब 10वीं कक्षा के बाद बच्चों को सब्जेक्ट चयन की बारी आई तो उनकी एक अलग से हम लोगों ने काउंसलिंग ही की और उनसे पूछा, और बहुत से बच्चों ने सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा प्रकट की, और मुझे ऐसा विश्वास है कि बच्चे निश्चित तौर से सीएम राइज विद्यालय का और अपने परिवार का माता पिता का नाम रोशन अवश्य करेंगे जीवन में सफल। सर, आपका नाम और डेफिनेशन? मैं प्रांजल रंजन अवस्थी, उच्च माध्यमिक शिक्षक।